नमस्कार, मैं अभिषेक त्यागी। भारतीय क्रिकेट में इस वक्त हार्दिक पांड्या की खूब चर्चा है। हार्दिक पांड्या ने जब से वापसी की है, जिस तरीके से जोरदार वापसी हार्दिक पांड्या ने की है, उसकी तारीफ हो रही है, क्योंकि 2021 के विश्व कप के बाद से हार्दिक पांड्या पर सवाल थे, लेकिन आईपीएल में कमाल का प्रदर्शन किया और उसके बाद में जब टीम इंडिया में आए हैं तो टीम इंडिया में खिलाड़ी के तौर पर, गेंदबाज के तौर पर और कप्तान के तौर पर, तीनों तौर पर हार्दिक पांड्या ने कमाल का प्रदर्शन किया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि हार्दिक पांड्या का करियर अब और लंबा जाएगा। लेकिन बड़ा हैरान करने वाला एक बयान आया है और बयान हार्दिक पांड्या के चाहने वालों को थोड़ा हैरानी वाला लगेगा, थोड़ा अटपटा लगेगा और थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि रवि शास्त्री ने हार्दिक पांड्या को लेकर एक अजीब बयान दे दिया है। रवि शास्त्री ने जो हार्दिक पांड्या को लेकर कहा है, उस पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। दरअसल रवि शास्त्री ने हाल ही में हार्दिक पांड्या को लेकर पूछा, बताया कि हार्दिक पांड्या बहुत जल्द रिटायरमेंट ले सकते हैं और ये बैन स्टोक के मामले से पूरा मामला शुरू हुआ है। बैन स्टोक ने जब से वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है, तब से एक अलग तरीके की बहस क्रिकेट जगत में छिड़ गई है कि क्या सब खिलाड़ी अपना अपना फॉर्मेट चुनेंगे, क्या सारे खिलाड़ी अपने अपने फॉर्मेट के हिसाब से रिटायरमेंट ले लेंगे, इस पर बहस चल रही थी। तो रवि शास्त्री ने कहा कि हार्दिक पांड्या का एग्जाम्पल ले लीजिए, हार्दिक पांड्या इस वक्त T20 क्रिकेट ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, तो इसीलिए जो 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप होना है, वनडे वर्ल्ड कप जो होना है, उसके बाद हार्दिक पांड्या वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे। ये रवि शास्त्री का बहुत बड़ा बयान है। उनका कहना है कि अपना अपना अधिकार हर खिलाड़ी का, वो जो चाहे उस फॉर्मेट को चुन सकता है, ये रवि शास्त्री का कहना। और जाहिर तौर पर रवि शास्त्री का जो बयान है, ये किसी हद तक बहुत बड़ा बयान है हार्दिक पांड्या के लिहाज से, क्योंकि रवि शास्त्री ने कहा है कि वनडे वर्ल्ड कप तक तो हार्दिक पांड्या खेलते रहेंगे, वनडे क्रिकेट खेलते रहेंगे, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप के बाद हार्दिक पांड्या वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे। ये जाहिर तौर पर थोड़ा हैरानी वाला और अटपटा बयान रवि शास्त्री का जरूर लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से बेन स्टोक ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है, उसके बाद से बहस शुरू हो गई है कि क्या आने वाले वक्त में कुछ और बड़े खिलाड़ी वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले हैं, कुछ और खिलाड़ी वनडे क्रिकेट को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि खिलाड़ियों पर वर्कलोड बढ़ता जा रहा है। उस वर्कलोड के चक्कर में खिलाड़ी हो सकता है कि किसी एक फॉर्मेट को छोड़ने का फैसला करें, इसीलिए रवि शास्त्री का यह बयान है। तो आपका रवि शास्त्री के इस बयान पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है वास्तव में कि हार्दिक पांड्या या फिर आने वाले वक्त में विराट कोहली जैसे खिलाड़ी वनडे क्रिकेट को छोड़ सकते हैं, वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।